दोस्तों, सीबीआई 2 साल से मुंह में दही जमाए बैठी है, लेकिन ना तो अपडेट दे रही है और ना ही रिपोर्ट सौंप रही है। एक ओपन मर्डर केस की जांच में भला कितना समय लग सकता है? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, चलो मान लिया 1 साल, लेकिन 2 साल का समय बहुत लंबा हो जाता है। ऐसे फेमस केस जब लटकाने होते हैं तो समय लंबा खींचा जाता है ताकि इंसाफ मांगने वाले अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएं। पहले बहुत सारे केसेस में इस तरह का रवैया देखा जा चुका है। एसएसआर केस में भी यही हो रहा है। दरअसल सीबीआई अभी तुरंत फाइनल रिपोर्ट नहीं लगा सकती, ये उसकी मजबूरी है और इसके पीछे की कई सारी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यही है कि एसएसआर फैंस भले ही आज की डेट में शांत दिख रहे हैं, लेकिन ये लोग शांत नहीं बैठे हैं और एसएसआर अभी भी हर किसी के दिमाग में बैठा हुआ है। और अगर सीबीआई ऐसे में इसे आत्महत्या बताती है तो न सिर्फ सीबीआई की ऐसी तैसी हो जाएगी बल्कि केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी आग की लपटें पहुंचेंगी, क्योंकि सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। इसे आत्महत्या बताने पर एसएसआर फैंस फिर से एक्टिव हो जाएंगे और इस बार आंदोलन सोशल मीडिया पर कम जमीन पर ज्यादा होगा, जिससे कहीं न कहीं विपक्षी पार्टी फायदा उठाने की कोशिश करेंगी और केंद्र सरकार बैकफुट पर आ जाएगी। दोबारा आंदोलन शुरू होने का शक इसीलिए भी है क्योंकि ये एक क्लियर मर्डर है और इसे आत्महत्या बताकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता, हाल फिलहाल में तो बिल्कुल नहीं। सीबीआई पर इस समय पॉलिटिकल प्रेशर है दोस्तों, और इसे इस मामले में चुप्पी साधे रखनी है और अभी मुंह नहीं खोलना है, क्योंकि उनको पता है कि मर्डर उनको दिखाना नहीं है और आत्महत्या वो दिखा नहीं सकते हैं। सीबीआई अगर इस मामले में मर्डर चार्ज लगाती है और जनता में ये संदेश जाता है कि सीबीआई ने ईमानदारी से काम किया है, तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन फैसले में देरी होना या 2 साल के बाद भी सीबीआई की चुप्पी इस बात का सबूत है कि मर्डर चार्ज बिल्कुल नहीं लगने वाले हैं। सीबीआई या केंद्र सरकार या खुद आज की डेट में भगवान जी भी धरती पर आ जाएं और ये कह दें कि ये एक आत्महत्या है, तो भी लोग यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि एसएसआर केस में आत्महत्या जैसी कोई बात थी ही नहीं। शरीर पर चोट के निशान, पैर का टूटना, चेहरे पर चोट के निशान और गले पर रस्सी या बेल्ट के निशान काफी कुछ कहानी बयां कर रहे थे। चलो सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स की बात छोड़ देते हैं, ये लोग तो कुछ भी कह देते हैं और कुछ भी बातें बना लेते हैं और ये लोग एक्सपर्ट्स भी नहीं हैं। लेकिन देश ही नहीं बल्कि विदेशों में बैठे कई डॉक्टर्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने खुलकर ये बयान दिया था कि आत्महत्या के बाद गले पर इस तरह के निशान नहीं बनते हैं जैसे एसएसआर के गले पर थे। एम्बुलेंस में एसएसआर की बॉडी ले जाने वाले लड़के ने भी कहा था कि एसएसआर के शरीर पर न सिर्फ चोट के निशान बल्कि उसके शरीर पर सुई और नीडल के निशान भी थे। चलो ये सबको भी एक बार साइड में रख देते हैं। सुधीर गुप्ता याद है आपको? पहले एसएसआर के वकील विकास सिंह से जब सुधीर गुप्ता की बात हुई थी तो खुद सुधीर गुप्ता ने कहा था कि एसएसआर के गले पर जो निशान है वो हैंगिंग के निशान नहीं है, लटकने से इस तरह के निशान नहीं बनते हैं, वो गला घोंटने के निशान है और गला घोंटने के निशान साफ साफ दिखाई दे जाते हैं। एक डॉक्टर ऐसे निशानों को देखते ही पहचान जाता है, देखते ही बता देता है। लेकिन सुधीर गुप्ता ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, करीब से देखी और उसे पढ़ा भी था। डॉक्टर सुधीर गुप्ता से बाद में जब इस बारे में दोबारा पूछा गया तो उसने नो कमेंट कहकर बात टाल दी। इस केस में ढेरों सबूत और बयान थे जो ये साबित कर रहे थे कि ये एक ब्रूटल मर्डर था और मर्डर से पहले एसएसआर को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था, इसीलिए कोई भी आत्महत्या वाली थ्योरी पर यकीन कर ही नहीं सकता। सरकार और सीबीआई भी इस बात को अच्छे से जानती हैं दोस्तों, इसी वजह से अभी तक सब कुछ शांत कर रखा है। इसी केस में ईडी ने भी जांच की थी, आप सबको याद होगा जो भी एसएसआर के फैंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरना आज की डेट में हर कोई सब कुछ भूल चुका है। लेकिन ईडी की जांच का क्या हुआ? आज 2 साल के बाद भी किसी को पता नहीं चला है। चलो जी मान लिया कि सीबीआई जांच कर रही है और टाइम लगता है, लेकिन ईडी का केस तो बहुत बड़ा नहीं था। ईडी तो अपनी जांच को बहुत जल्दी फाइनल कर सकती थी, फिर भी आज तक उसका फैसला भी नहीं आया। उसका कारण भी सेम है दोस्तों, ईडी अगर बोल देती है कि एसएसआर के पैसे का कोई हेरफेर नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है और रिया चक्रवर्ती बेकसूर है, तो सोशल मीडिया पर एसएसआर के नाम का तूफान आना तय है। ईडी अगर रिया एंड गैंग को बेकसूर बताती है तो लोग सीबीआई पर भी सवाल उठाना शुरू कर देंगे। न सिर्फ ईडी की जांच सवालों के घेरे में आएगी बल्कि सीबीआई पर और ज्यादा दबाव बनता चला जाएगा, और अगर सीबीआई पर दबाव बनेगा तो कहीं न कहीं नेता और सरकारें भी इसके लपेटे में आनी है। इसीलिए लोग भड़क न जाएं या आवाज उठानी शुरू न कर दें, सरकार की बुराई शुरू न कर दें, इसीलिए सीबीआई को म्यूट कर रखा है, और सीबीआई म्यूट है इसीलिए ईडी से रिपोर्ट लगवाने का सवाल पैदा ही नहीं होता।
वैसे केस किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा में जाएगा, आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि रिया को उसका पासपोर्ट वापस मिल चुका है। कोर्ट ने रिया को विदेश जाने की इजाजत दे दी है, अब वो विदेश आ जा सकती है। एनसीबी ने जब रिया से पूछताछ शुरू की थी तो तब एनसीबी ने उसका पासपोर्ट भी जमा करवा लिया था, लेकिन उसे आईफा अवार्ड में जाने की इजाजत दी जा चुकी है। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि उसे आईफा अवार्ड से वापस आने के बाद एनसीबी को अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा, लेकिन रिया के वकील ने पासपोर्ट जमा करने की डेट 15 दिन एक्सटेंड करवा ली है, यानी 15 दिन के बाद अब पासपोर्ट जमा करना होगा। ये एक शुरुआत है, पहले उसे 6 दिन की छूट दी गई, अब उसे 15 दिन की छूट दी है और इसी तरह आने वाले समय में उसका पासपोर्ट परमानेंटली उसे दे दिया जाएगा, क्योंकि एनसीबी या कोर्ट के पास में पासपोर्ट जब्त रखने का अब कोई आधार बचता ही नहीं है। न ईडी ने कहा कि वो दोषी है, न एनसीबी की कार्रवाई में उसे सजा हुई या उस पर आरोप तय हुए, और सीबीआई तो एक दो साल तक बेहोश पड़ी रहे तो हैरान मत होना, सीबीआई को नींद की गोली दी गई है और उसे होश अब आएगा भी नहीं। रिया तो फिर भी एक बड़ा मोहरा है दोस्तों, तो उसे बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन एसएसआर के साथ में रहने वाले पापी पिठानी नीरज, केशव और दीपेश, ये सारे प्यादे भी न सिर्फ गायब हैं बल्कि आज तक इन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ये अंतिम समय में एसएसआर के साथ थे और सच झूठ का सबसे ज्यादा पता इन्हें ही है। सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले कोरोना शुरू हुआ था और उस वक्त एसएसआर के साथ में काम करने वाली आनंदी धवन एसएसआर के पास से अपने घर वापस चली गई थी। एसएसआर की हत्या के बाद वो भी गायब रही, क्या आनंदी को जानबूझकर चुप कराया गया या वो खुद गायब रही, इसका जवाब भी आज तक बिल्कुल नहीं मिला है। सीबीआई एक बार फरीदाबाद गई थी, लेकिन फरीदाबाद में किसके पास गई थी ये नहीं बताया गया, आनंदी धवन के पास गई थी या एसएसआर के जीजा जी के पास गई थी, सवाल इतने सारे हैं और जवाब एक भी नहीं, और समय भी 2 साल का बीत चुका है। सीबीआई बिल में से बाहर निकलकर सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और इसे एक आत्महत्या बताकर पल्ला झाड़ दे, ये इतना भी आसान नहीं है जितना दिख रहा है। एसएसआर की मौत के बाद एसएसआर के फैंस ने सोशल मीडिया पर जो तांडव मचाया था वो सीबीआई ने ही नहीं बल्कि देश की सरकारों ने भी देखा था, तो ये लोग इतना भी रिस्क नहीं ले सकते कि जनता फिर से सड़कों पर आ जाए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दे। यही वजह है कि इस केस में भी वही किया जा रहा है जो हमेशा से बड़े केसेस को दबाने के लिए किया जाता है। और एक चीज, जब भी कोई केस लंबा खींचा जाता है तो ये भी सच्चाई है कि इसका एक मकसद किसी न किसी बड़े मगरमच्छ को बचाने का होता है। एसएसआर का केस ऐसा है जो सबसे छोटे मोहरे दीपेश सावंत और नीरज से लेकर महाराष्ट्र के सबसे बड़े मगरमच्छ तक जुड़ता चला जाएगा, और ये चेन ऐसी है दोस्तों जिसमें बड़े बड़े नाम सामने आ जाएंगे जो महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की बड़ी बड़ी पार्टियों को हर साल करोड़ों रुपए का चंदा और डोनेशन देते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या एसएसआर को कभी इंसाफ मिल पाएगा? क्या आप एसएसआर को इंसाफ दिलाने का वही जज्बा आज भी रखते हैं जो 2 साल पहले इस देश की जनता ने दिखाया था? कमेंट में जरूर बताएं। और एसएसआर की ये मुहिम जारी रखने के लिए, सीबीआई पर दबाव बनाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज को ताकत दें।